मां दा दर्जा अते मां दा रिश्ता संसार दे सब रिश्तियां तो उच्चा हुंदा है। मां दे प्यार तो सखणे मनुख दी जिंदगी ना मात्र हुंदी है। अते मां वाले सारे ही गुणा नाल भरपूर सन श्रीमती कुमदराणी धीर जी। श्रीमती कुमदराणी जी एक बहुत ही चंगे अते संस्कारी औरत सन। आप जी दा परमात्मा विच अथा विश्वास सी। आप जी ने अपने बच्चियां नूं भी अपने ही अपनाए मार्ग ते चलन दी सिख्या दित्ती, जिस दी बदौलत अज आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघाजोग स्थान रखते हन। सब तो वड्डी गल आप जी दे बच्चे आप जी दे पाए पूर्णियां ते चल के जिंदगी बसर कर रहे हन अते समाज विच नामना खट रहे हन। श्रीमती कुमदराणी धीर जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते आप जी हमेशा ही हर एक दी मदद लई त्यार बर त्यार रिहा करते सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंचन दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। श्रीमती कुमदराणी धीर जी दी फुलवाड़ी इस समय उन्हां दे पोतरे पोतरियां दोते दोतियां नाल महक रही है, जो सब आप जी दे नक्शे कदमां ते चल रहे हन। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਮਦਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਮ ਸਤਿ ਪਾ
जगे सहज
से भगे बाधा बड़ी विषम जब आवे विरोध बढ़ जावे राम नाम जपिए सुख दाता सच्चा साथी जो हित कर दाता बन जब धैर्य को नहीं पावे चेता चित को चूर बना ले राम नाम जप चिंता चूर चित चिंतन पूरत छोटा घर हो घड़ाता अभी दुख में मन घबराता बजिए राम राम बहुबा करता बेड़ा पार घड़ी घड़ी कठिन तरकार राम राम जपिए प्रतिपा घटना घोर घटे जिस पे चले दुखड़े जपिए राम नाम बिन दे राम नाम शुभ दे राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम किटे शांति आशे राम नाम की पाइए चाहिए नाचे जन्म मरण का खटका नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नाम परम पुरुष पावन प्रभु सदा प्रसंगी साग तप राम नाम बिना नीरस को राम जप तरिए लो राम जाप सत संयम साधन राम जाप है करने आराधन राम जाप है परम अभ्यास राम नाम सुख राम राम जाप कही ऊँची करने चिंतन सुविचा राम राम श्री राम भयाना राम राम श्री राम हरि पर यो राम राम श्री राम जप दाता अमृत को राम के तमणि रत्न को अतुल प्रभावती विजय कर महाशक्ति को राम राम जप शुभ संतो राम राम श्री राम राम मंत्र बीज परापर यंत्र बीजा कर पद पद्म प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशे कुंडलिन गोधे सुष्मणा खोले उपजे नाथ सहज बहु भीतर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जमी रमावे राम नाम जब जगे अभ चेतन भाव जगे सुख सर ग्रंथि अविद्या टूटे भारी चेत पावन परम पारतिया सकल सेठ कर साधना राम नाम अनुराग
तीन लोक का समझिए सारा नान सदही सुख का राम नाम की बहुत बढ़ाई यदि तक साधु संत आने नागरिक दिन बसाने तापस योगी से थर जीव राम राम सब सुख कर भावना भक्ति भरे भजनी राम राम रखनी भजते भक्त भाव भरपूर पुरुष प्रधान परम पाठ ही मां करते राम राम जप ध्यान बना में तुरती पूर्ण माते राम स्वर साध समाते रे देवी गण देव विधाता राम बजते गण दाता राम राम तो गुण जन गीत से राम छाते कीर्तन कथा करते वे का संग साधन मोहक मंत्र अति मधुर राजप होता तीनों लोक में राम नाम गुण का। कुछ लोग कहते हैं कि किसे एक दे जान नाल कभी जिंदगी नहीं जीती। कुछ लोग कहते हैं किसे एक दे जान नाल कभी जिंदगी नहीं जीती, पर वो शायद ये नहीं जानते कि लखा नवे रिश्ते बन जान के बाद भी उस एक माँ की कमी कदे पूरी नहीं होती, कदे पूरी नहीं होती। माँ जिंदगी के तपते रेगिस्तान के बरकत की एक ठंडी छां होती है, ये कमी कदे पूरी नहीं होती, कदे पूरी नहीं होती। अज शोक सभा एक ऐसी नेक आत्मा की याद विच रखी गई है जिन्हों की खाली जगह कोई नहीं भर सकता इस परिवार के बीच। उन्होंने अचानक इस तरह चले जाना बहुत ही दुखदायक है। मैं सारे परिवार के बच्चों वालों उन्होंने श्रद्धांजलि दे फुल प्रदान करते हुए ईश्वर अगे एक प्रार्थना करती हूँ कि इस परिवार को अजिही ताकत बख्शो कि वो इन्ना वड्डा सदमा बर्दाश्त कर सके। माँ एक कविता माँ के ऊपर है और जिहड़ी नेक आत्मा अज साडे विच नहीं है उस सारे तीर परिवार की माँ से एनिया ठंडिया छा जगते लगतिया नहीं जावण दे मंदा जो बोल जे निकले तो
जारी निभाई। आज उस तस्वीर की आगे बैठकर नम आंखों के साथ मन में पीड़ा भी है और उस माँ को याद भी कर रहे हैं। Oh.
भी जाए न जानी, तब कहते हैं सुजन से आने कि राम की बातें राम ही जाने। स्वर्गीय कुमार जी परमेश्वर के धाम से सांसों की पूंजी लेके इस धरती पे आए, अपने संपूर्ण कर्मों को, चाहे परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, अपने संपूर्ण कर्मों को पूर्ण करते हुए परमेश्वर की आज्ञा से परमेश्वर हित की धाम को जाते राजे। लेकिन जाते जाते हमें एक संदेश भी देके गए हैं। उस दिन जब अंतिम क्रिया शुरू की, दाह संस्कार, वहाँ पे शमशान में ये शब्द अंकित मैंने पढ़े कि मुझे यहाँ तक लाने वालों आपका धन्यवाद, अब आगे की यात्रा मैं स्वयं अकेले। परमेश्वर के धाम से जो जीव आता है, जाते हुए अपने साथ किए हुए शुभ कर्मों की पूंजी लेके वो परमेश्वर के धाम को जाता है। छह चीजें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये छह चीजें परमेश्वर के हाथ में हैं। तो विचार करना है कि हमारे वश में क्या है, हमने कितनी देर इस धरती पर रहना है हम नहीं जानते, कौन सा हमारा अगला जन्म होगा, कौन हमारे माता पिता होंगे हम जानते भी नहीं, और ये हमारे वश में भी नहीं है। तो हमारे वश में क्या है, कर्मों के ऊपर दृष्टि रखना, सोच करें क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बिताया, या सोच करें क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गंवाया। हमारी दृष्टि केवल कर्मों के ऊपर हो गई। हम खेत में बीज डालते हैं गेहूं का, 20 किलो बीज हम डालते हैं, लेकिन फसल पकने पर वो 20 किलो नहीं, कितने गुना हो के पलट के हमारी झोली में आता है। कोई भी वृक्ष अपना फल नहीं खाता। कभी सुना होगे कि संतरे ने संतरा खाया या आम के फल ने आम खाया, नहीं होता है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव कहा है जिसे अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमारे कर्म बीज बन जाया करते हैं, जो फिर फल रूप में पलट के हमारी झोली में आया करते हैं। परिवार कहाँ तक साथ देता है, शमशान तक। श्री अमृत वाणी का पावन पाठ हमने किया, जिसमें महाराज की ये वचन है कि मात पिता बांधव सुखकारा, धनजन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा। गुरु ग्रंथ साहब में भी महाराज की वाणी है कि मात पिता वनिता सुत बंधु, इष्ट मीत और भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत ही को न सहाय। अंत में कोई सहायक नहीं है, तो अंत में सहायक कौन है? अंत में सहायक केवल परमेश्वर का नाम है। उपनिषदों में ऐसे शब्द हमें प्राप्त हैं कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गति गम्य था। कलयुग के प्रभाव वाले इस समय में अगर कोई पार होने का साधन है, कोई माध्यम है, तो केवल परमेश्वर का नाम है। कोई पूछे कि परमेश्वर का कौन सा नाम है, परमेश्वर किसी नाम का मोहताज नहीं है, उसे जिस नाम से भी पुकारें उसी में उसका आशीर्वाद मिल जाता है। जितने भी नाम हैं इस परमेश्वर के गुणों की ओर इशारा करते हैं। वो कण कण में रमा हुआ है तो राम कहा है, सर्वव्यापक है हरि कहा है, गोविंद भी कहा है, एक ओंकार भी कहा है, नवकार मंत्र भी उसी की ओर इशारा करता है, ओम शब्द उस परमेश्वर की ओर इशारा करता है। चित्त चित्वहु नारायण एक रूप जाके रंग अनेक। वो परमेश्वर एक है लेकिन उसके अनेक नाम हैं, जिस नाम से भी पुकारें उसमें उसका आशीर्वाद मिल जाता है। तो कर्मों के ऊपर दृष्टि रखते हुए उस परमेश्वर को स्मरण करते हुए अपने काम करने हैं, क्योंकि वही वो माध्यम है, वही वो साधन है जो हमें इस भाव सागर से पार करता है। आज परिवार में मन में दुख भी है, लेकिन मैं इसे शोक सभा नहीं कहूँगा। जहाँ पे श्री अमृत वाणी का पाठ होवे, परमेश्वर के नाम की चर्चा होवे, ग्रंथ का पाठ होवे,
वो शोक सभा नहीं, उसे प्रार्थना सभा या शोक निवारण सभा कहा जाना चाहिए। तो इस शोक निवारण सभा में भाई सतीश जी और उनके परिवार से जो भी दुख बांटने के लिए आए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद भी कहता हूँ। शोक संदेश महान आश्रम से पूज्य गुरु माँ और गुरु महाराज का भी प्राप्त हुआ है। विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि दिलीप परिवार के साथ, भाई सतीश जी और उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है, दुख है, बांटने से आधा रह जावे, बांटने से कम हो जाता है, सुख पे बांटने से दुगुना हो जाता है, लेकिन इस दुख की घड़ी में आज लुधियाना नगरी के इतने माननीय लोग आप परिवार से संवेदना प्रकट करने आए हैं। ये उस बहन के उच्च गुणों की ओर ही और इस दिलीप परिवार के कुछ तक की ओर ही ये इशारा करता है। तो मैं अपनी ओर से समस्त श्री रामचंद्र परिवार की ओर से परमेश्वर के चरणों में हाथ जोड़ के यही मंगल याचना है, प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, उस पावन आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। इन्हीं शब्दों के साथ मानी को विश्राम, गुरु कृपा, प्रभु कृपा सबके ऊपर बने रहे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। आगे प्रकार विद्वान जी शोक सभा में, प्रार्थना सभा में जितने भी हमारे मित्र साथी भाई बहने आए हैं, सबका ईद परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वरिंद्र मित्तल जी आए हैं, राजन गुप्ता जी आए हैं, ममता बहन जी आए हैं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब पूज्य पंडित जी महाराज दर्शन पगड़ी के बाद आरती करेंगे। शर्मा जी काला जी, उनका भी शोक प्रस्ताव आया है। सुरेंद्र कुमार डावर जी MLA साहब, उनका भी शोक प्रस्ताव आया है। राजीव विक्की डावर जी सुभाष नगर कल्याण नगर रोजरी एसोसिएशन, उनका भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट, उनका भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री नव दुर्गा मंदिर सुभाष दुग्गल जी और उनके समस्त ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूँ। ज्वेलर एसोसिएशन, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में आकर परिवार के साथ दुख साझा किया, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। Yeah.
भगवान जय जय सीता।